बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम जी हैं, कितने भीड़ थी आप भी बता दीजिए, हम लोग को थोड़ा ज़्यादा बोल जाएंगे। लगभग 1.5-2 लाख लोग थे आज की रैली में, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा हुआ। बहन जी की बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पर मुस्कान थी, आज वो जो भाषण लिख के लाते उसके अलग भी बोले। बहन जी ने आज देखा कि समुद्री रैली हुई है आज भरतपुर में, और वाकई ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, मोशन मूवमेंट के लिए अच्छा हुआ है कि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो गरीब सबका जो था ग्राउंड लेवल के जो लोग थे, वो भी निकल के अपने आप अपनी स्वेच्छा से अपने वाहनों से माने बहन जी को सुनने के लिए आए थे। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, लेकिन आरक्षण जो है अभी उसके अलग से, तो एक बड़ा भ्रम फैल रहा है कि उनको, लोगों को लग रहा है कि कहीं 27% पे से तो नहीं मिलेगा। नहीं, जब रूल्स बनेंगे, जब बात होगी उसके बाद ही कुछ बनेगा। तो माननीय बैंक ने कहा है कि जो रिजर्वेशन हम लोगों का है वो तो रहेगा, हम तो एडिशनल मांग रहे हैं जो गरीबों के लिए, जो सर्व समाज के गरीब अलग से अलग से एडिशनल मांग रहे हैं, ताकि उनकी भी कंडीशन जो है समाज की मुख्य धारा में वो लोग आ सकें। हनुमान दलित है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि दलितों को मंदिर का पुजारी बना दिया जाए और उसे स्कूल कॉलेज को। तो सही बन जाने का इस बात पे हम सहमत हैं, हम सभी लोग सहमत हैं। आप तो तस्वीरें भी एक बार दिखा रहे हैं, और क्या वजह है आपकी करौली की रैली और उसके बाद भरतपुर की दूसरी रैली, इतने लोग कैसे आते हैं, ना संसाधन है ना गाड़ी है, प्रचार कैसे पहुंचता है लोगों तक की रैली है? माइक्रो मैनेजमेंट हम लोगों ने किया है, ग्राउंड लेवल पे जाके मैनेजमेंट किया है पूरा, ग्राउंड लोगों पे जाकर के महीनों से पहले तैयारी होती है कि हाँ भाई माने बहन जी इस तरीके में आ रही हैं, आप सभी लोगों को आना है, और उसके बाद से ऑटोमेटिक लोग निकल जाते हैं। गौतम साहब बताइए कि ये दूसरी आपने ये आपकी करौली की रैली थी, और उसके बाद देखिए बीबीएफ के जो साथी हैं वो मंच पे आ गए हैं, और मेरा ट्राइपोड भी गिर गया है, ये लोग फोटो रामजी गौतम साहब के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। करौली वाली रैली थी वो आपकी पहली रैली थी, मैसिव रैली थी, उसके बाद आज भरतपुर में हुआ, सीटों का क्या अंदाजा लगा? हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग कम से कम 25 सीटें राजस्थान में जीतने वाले हैं। की प्लेयर चाबी आपके पास होगी? हाँ बिल्कुल होगी, जिस तरह से लोग आज माननीय बहन जी को सुनने के लिए आए, माननीय बहन जी का जिस तरह कद है पूरे देश के अंदर, आज सर समाज के लोग यही चाहते हैं कि माननीय बहन जी इस देश के लीडर बने। तभी आपने खुद देखा, आपके सामने प्रैक्टिकली है, मतलब मेरा कोई वो नहीं है कि आपने देखा किस लाखों की तादाद में आज लोग गाँव से देहातों से निकल के आए। कैसे लड़ रहे हैं आप लोग चुनाव, संसाधन नहीं है, बहन जी खुद कह रहे हैं कि हम धरना सेठों से पैसा नहीं लेते हैं, ये लोगों को कैसे मैसेज आता है, अखबार में एडवर्टीजमेंट नहीं आता है? बिल्कुल ये है कि हम लोगों का जो मैसेज है गांव देहात में कि हमारी जो लड़ाई है वोट वालों की और नोट वालों से, तो जो भी वोट वाला है वो जानता है कि हमारी जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, हमारी लीडर जो है माननीय बहन जी देश में, और उनको सपोर्ट करता है और उनको दिल से भी चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि गांव देहात से लोग घंटों, मतलब सुबह 6 बजे से आ गए, यहाँ पे बैठ गए, बिना पानी पिए बिना खाना खाए अब तक बैठे हुए थे। ये संभव नहीं है दूसरी पार्टियों में, दूसरी पार्टी के लोग तो 500 रुपये, 1000 रुपये। राजकुमार जी बहुत उम्मीदें हैं आपसे लोगों, आपकी पार्टी से लोगों को, ये एहसास है आप लोगों की? हमें पूरी बात इस बात का एहसास है, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इस बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी का जो परचम है स्थान पर आएँ। टीवी वाले अखबार वाले को लेकर मायावती लगातार हमलावर होते हैं, वो कहते हैं कि वो हवा बनाते हैं, क्या आपकी जनता, आपके वोटर, आपके सपोर्टर अभी इस खेल को समझने लगे हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन समझने लगे हैं? यहाँ तक कि हमारे जो वोटर हैं वो अब टीवी और मीडिया पे विश्वास ही नहीं करते, हम लोग तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते कि इस तरह की क्या बात पढ़े, जो हमारी बात नहीं छापते हैं। तो हम लोग सीधा संवाद जो होता है हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे सीधे वोटर से संवाद होता है, या हमारे गांव देहात में जो पार्टी के कैडर्स हैं उनके माध्यम से हम लोगों से संवाद करते हैं। तो जिस शालीन शख्स से आप बात कर रहे हैं, राजकुमार रामजी गौतम हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और मैंने 2 रैलियाँ इनकी देखी है, मैसिव रैली है, और मैं इसलिए कहता हूँ बीएसपी में डिसिप्लिन और काम करने वालों की बहुत कदर है, और उसका एग्जाम्पल रामजी गौतम आपके साथ है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, भरतपुर, राजस्थान। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।